नमस्कार है। नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का सबसे पहले इस वीडियो में आने के लिए मैं स्वागत करता हूं दोस्तों, आप सभी भाइयों का और बहनों का एवं प्रिय सभी मित्रों का, जितने भी लोग इस विश्व भर में, इस पूरे पृथ्वी में किसी भी स्थान से अगर देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, तो आप सभी लोगों का सबसे पहले तो इस वीडियो में आने के लिए स्वागत है दोस्तों। यह वीडियो हमारा काफ़ी ज़्यादा खास होगा क्योंकि यहाँ पर इंडिया देश के अंदर NVS नाम के स्कूल हैं और लगभग 600 से भी ज़्यादा स्कूल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के स्कूल हैं पूरे इंडिया देश भर में आपको देखने को मिल जाएंगे। और इन स्कूलों द्वारा लगभग 1380 के करीबन ये वैकेंसी आउट हुई है, नोटिफिकेशन आउट हुआ है। ये सारी पोस्टें नॉन टीचिंग है। डेफिनेट सी बात है दोस्तों, हफ्ते दो हफ्ते में आपको दिख जाएगा, 10 से 15 दिन में, कि आपको टीचिंग पोस्ट के ऊपर भी नोटिफिकेशन दिखेगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा NVS द्वारा आएगा। वो वैकेंसियाँ ज़्यादा होती हैं क्योंकि नॉन टीचिंग स्टाफ, आप भी जानते हो कि स्कूलों के अंदर, खासकर स्कूलों के अंदर जो स्टाफ होता है उसमें जो है नॉन टीचिंग स्टाफ इतना नहीं होता जितना टीचिंग स्टाफ होता है। कि भाई आप भी जानते हो कि एक एक क्लासेस को एक कम से कम पाँच पाँच छः छः दस दस सब्जेक्ट्स की जो है एजुकेशन दी जा रही होती है स्टूडेंट्स को, जो भी वहाँ स्कूल में जाकर पढ़ रहे होते हैं। तो इसी वजह से मैं आपको बता दूँ कि लगभग अगर आप माने तो जितनी आपकी नॉन टीचिंग वैकेंसी है उसकी लगभग आप मान सकते हैं कि लगभग इस वैकेंसियों का 10 टाइम्स, यानी कि अगर ये 1400 वैकेंसी है तो करीबन 14,000 या करीबन 15,000 के करीब इतनी वैकेंसी आप लोगों को NVS द्वारा देखने को मिलेंगी जो कि इंडिया देश में आएगी। नवोदया विद्यालय समिति, ये NVS है, मतलब कि बेसिकली जैसे आप जानते हो केंद्रीय विद्यालय स्कूल, केंद्रीय विद्यालय संगठन नाम के स्कूल है इंडिया देश में, लगभग उनके भी स्कूल हंड्रेड्स और थाउजेंड्स की संख्या में है उनके स्कूल, तो उनके स्कूल NVS से ज़्यादा हैं। हालांकि वो भी इंडिया गवर्नमेंट के हैं और ये NVS नाम के स्कूल भी इंडिया गवर्नमेंट के हैं। बेसिकली स्कूल करते क्या है, बेसिकली ये लोग 1 से 12 क्लासेस तक के लिए टीचिंग प्रोवाइड करते हैं लोगों को, खासकर इंडिया के लोगों को, और दूसरे कंट्री के भी लोग अगर जाकर इंडिया देश में पढ़ना चाहें इन स्कूल्स के अंदर तो वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, एजुकेशन के लिए किसी को मना नहीं होता, कोई भी पढ़ सकता है कहीं से भी, कोई भी कहीं भी जाकर किसी भी जगह से कोई भी चीज़ें पढ़ सकता है वो। इसके ऊपर कोई वो नहीं है कि आप कहो कि NVS में तो सिर्फ इंडिया के लोग ही पढ़ते हैं, नहीं भाई, दूसरे कंट्रियों से भी लोग NVS में पढ़ने आते हैं और यहाँ से भी काफ़ी लोग, मतलब जो इंडिया देश है वहाँ से भी लोग दूसरे कंट्रियों में जाते हैं पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए, नहीं तो फिर किसी और चीज़ों के लिए भी वो लोग जाते हैं। तो मैं बेसिकली दोस्तों आपको यही बताने वाला हूँ, सबसे पहले तो सभी भाइयों का और बहनों का एवं अपने प्रिय दर्शकों का इस वीडियो में स्वागत है। चाहे आप पूरे विश्व भर में किसी भी स्थान से मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो आप लोगों का स्वागत है। खासकर अगर आप लोग इंडिया देश से सुन रहे हैं तो आपका तो मैं बिल्कुल एक खास स्वागत करता हूं क्योंकि आपके लिए ही ये वीडियो खास है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये इंडिया के लोगों के लिए ही निकाली गई है, इंडियन सिटीजन्स के लिए निकाली गई है दोस्तों। नॉन टीचिंग स्टाफ पर वैकेंसी आई है, मतलब कि टीचिंग पोस्ट नहीं है, नॉन टीचिंग है। इसके अंदर भी अलग अलग तरह की पोस्ट हैं, टोटल मैं आपके साथ बात करता हूँ तो 1377 वैकेंसी निकाली गई है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें जॉब देने, जॉब प्रोवाइडर है बेसिकली, मतलब कि आपको जो सैलरी वगैरह और अलाउंस जैसी चीज़ें होंगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मिलेंगे। ठीक है जी, 1377 वैकेंसी निकाली मैंने, ये एक्चुअल नंबर रखा है आपके सामने। ठीक है जी, 1377, मतलब करीबन करीबन आप मान सकते हैं कि 1380 जितने भर लोगों को जॉब मिल जाएगी इसके अंदर, और ये जॉब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जाएगी, मतलब कि आपकी जॉब गवर्नमेंट होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होगी। ठीक है जी, सरकारी जॉबें होंगी इसमें, आपकी सैलरी अलाउंस वगैरह भी होंगे इसमें क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है। और आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसियों की संख्या आपको यहाँ पर दिखी रही होगी स्क्रीन पर कितनी है। इसके अंदर तरह तरह की पोस्ट है, मतलब लगभग आप मान सकते हैं 10 से 15 तरह तरह की पोस्टें निकाली गई है जिसके ऊपर रिक्रूटमेंट होगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने स्कूल्स के अंदर, NVS के अंदर, पूरे देश भर में, इंडिया में, इसके अंदर लोगों को रिक्रूट करके जॉब देंगे। 2024 के मार्च महीने में इनका नोटिफिकेशन आया है और अभी से आप लोग फॉर्म भरने जा सकते हैं। लिंक
एक्टिव हो जाने के बाद ही, और पूरा नोटिफिकेशन आउट किया है एनवीएस ने, जिसके अंदर उसने लिखा है, एनवीएस ने साफ साफ लिखा है कि भाई क्या एलिजिबिलिटी है, किस किस पोस्ट पर, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, रिजर्वेशन है या नहीं है, और एज क्राइटेरिया क्या होगा, सैलरी क्या होगी, क्या क्या काम होंगे उन पोस्टों पर वो भी, और सिलेक्शन प्रोसेस के लिए उन्होंने एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें दी है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, 1,377 के करीब वैकेंसी, यानी कि 1,380 जितने भर लोगों को जॉब दी जाएगी, और इसमें सिर्फ इंडिया देश के लोग ही इस जॉब को ले सकते हैं। मतलब अगर आप इंडिया देश में रहते हो, भारत कंट्री में किसी भी स्थान पर रह रहे हो, और आप लोग अगर इंडिया के सिटीजन हो, तो बेसिकली ये वैकेंसी आपके लिए होगी। पूरा वीडियो कवर करूंगा मैं यहाँ पर, एज लिमिट, सैलरी अलाउंस, सारी चीज़ें कवर होंगी। मतलब आप ये समझिए कि आपका फॉर्म भरने से लेकर वैकेंसी मिलने तक का प्रोसेस, जॉब मिलने तक के सारे प्रोसेस के बीच में जो भी आपके प्रोसेस चलने हैं, उसको लेकर सारा कुछ इस वीडियो में कवर रहेगा। जो समझ आ जाए तो लोगों तक सर्कुलेट करना इस जानकारी को, पूरे विश्व भर में लोगों तक पहुंचा देना, जहां तक भी शेयर करना हो शेयर करना, कमेंट वगैरह करना, जितना भी जो भी कमेंट करना हो करना, और इसके अलावा सब्सक्राइब वगैरह भी कर लेना, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जॉब दी जाएगी। स्कूल्स के नाम है एनवीएस, नवोदया विद्यालय समिति के स्कूल हैं। लगभग 600 से ज़्यादा ये स्कूल्स पूरे देश भर में आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। ये सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आते हैं स्कूल, मतलब कि मेन जो अथॉरिटी है इनको चलाने के लिए, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और उसके अंदर भी उनका जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो है। आपको बता दूँ, इंडिया गवर्नमेंट में भी करेंटली बहुत सारे तरह तरह के मिनिस्ट्री हैं, उसी में से एक मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और उसके अंदर ये स्कूल्स आते हैं, ठीक है जी। तो काफ़ी लोग पूछेंगे कि भाई कौन हमें सैलरी दे रहा है, कौन रिक्रूट कर रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिक्रूट करेगी, ठीक है जी। और इससे पहले मैंने एक वैकेंसी आप लोगों के डिस्कस कर रखी है, जो कि आप लोगों का पशुपालन विभाग की है, उसका फॉर्म क्लोज हो जाएगा 4 दिन बाद, तो फॉर्म अप्लाई कर लो। उसके लिए भी 10th 12th और ग्रेजुएट्स का वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है जी। फिर आप बाद में बोले भाई इतनी अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी आई, हमने छोड़ दी, सेम इसी के साथ 4,000+ वैकेंसी तमिलनाडु में निकाली गई। मैं इसीलिए कहता हूँ कि एक वीडियो में भी मैं काफ़ी सारी बातें दूसरी भी कवर कर देता हूँ। जैसे कि आपको बता दूँ, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी यूपी स्टेट में अलग निकाली गई है, 2,500 के करीब वैकेंसी वहाँ पर आ रखी है। सेम यूपी स्टेट में ही जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट लगभग 5,000+ वैकेंसियों के साथ वहाँ पर भी निकलने वाली है। जैसे कि उसका रिजल्ट परसों ही आया, मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाया, रिजल्ट कट ऑफ वगैरह आ चुकी है उसके अंदर, जो कि 2022 वालों के पैट के हिसाब से, यानी जिसकी 2023 में जिन लोगों ने दिया था एग्ज़ाम जूनियर असिस्टेंट का यूपी स्टेट के अंदर, उसके अंदर 5,500+ वैकेंसी थी। तो करीबन आप मान सकते हैं कि जूनियर असिस्टेंट की इस बार भी रिक्रूटमेंट 5,000+ वैकेंसी आपके यूपी स्टेट में होगी। तो जिसको वो लेनी है वो ले लेना, उसका फॉर्म भी आप मान सकते हैं कि जल्द ही आ जाएगा। तो मैं अगर बात करूँ दोस्तों, तो करेंटली अभी ऐसे करीबन 10 से 15 नोटिफिकेशन अभी आउट हो रखे हैं। देखिए 15 ऐसे जॉब्स आउट हो रखी हैं, ठीक है, एक ही वीडियो में यहीं पे बता देता हूँ मैं, 15 ऐसी जॉबें हैं जो आउट हो रखी हैं, जिनकी वैकेंसियों की संख्या मैं अगर मिला लूँ, सारे रिक्रूटमेंट्स की संख्या अगर मैं मिला लूँ, तो करीबन 30,000, और 30 वो अलग थे, तो करीबन 60,000+ वैकेंसी अभी करेंटली चल रही हैं। इसके फॉर्म अभी इसके नोटिफिकेशन आ रखे हैं, 60,000+ वैकेंसी हो गए, ठीक है, और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा है, सच में आ रखे हैं इसके अंदर। इन 60,000+ वैकेंसियों में देखिए, एक बार मैं इसको थोड़ा क्लीन पेपर पर लिख के आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम आ जाते हैं, देखिए हम यहाँ आ जाते हैं, आपको दिखा दूँ, देखिए लगभग 60,000+ वैकेंसी अभी आउट हो रखी है पूरे इंडिया देश में, अलग अलग स्टेट द्वारा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब हो। टोटल 60,000+ वैकेंसी करेंटली नोटिफिकेशन उनके आउट हो रखे हैं, लगभग 20 से भी ज़्यादा उनके नोटिस हैं, ठीक है जी। 20 से ज़्यादा तरह तरह के नोटिस अलग अलग विभागों में आउट हुए हैं इंडिया देश में। तो काफ़ी एक बड़ी रिक्रूटमेंट है, अगर आप बेरोजगार हो, रोजगार नहीं है, वैकेंसी नहीं दिख रही, जॉब नहीं दिख रही है, इंडिया देश से हो, इंडिया देश के किसी भी स्टेट, किसी भी यूनियन टेरिटोरी से हो, तो मैं आपको कहूँगा ये 20 तरह के नोटिस आए हुए हैं, इन सबको एक बार चेकआउट करो और इन वैकेंसी पर अप्लाई कर सकते हो। जो 60,000 के करीब वैकेंसी आ रखी है, ये इसके अंदर काफ़ी काफ़ी वैकेंसी, इसमें नर्सिंग ऑफिसर का वैकेंसी है, टीचर का वैकेंसी है, नॉन टीचिंग स्टाफ का वैकेंसी है, एमटीएस, डीईओ, टाइपिस्ट, स्टीनोग्राफर और सीएचएल। देखिए ओडिशा स्टेट ने अपना सीएचएसएल और इसके अलावा सीजीएल जैसे नोटिफिकेशन निकाल दिया, और ओडिशा स्टेट ने टीचर रिक्रूटमेंट भी निकाला है। तो मैं बात करूँ तो अकेले ओडिशा स्टेट ने 10,000+ वैकेंसी अभी करेंटली निकाली हुई है अपने अलग अलग विभागों में, सिर्फ ओडिशा ने, ठीक है, ओडिशा स्टेट ने ही करीबन 10,000 जॉब निकाली हुई है यहाँ पर, अलग है ये सिर्फ ओडिशा स्टेट के। तो आप समझिए पूरे पूरे इंडिया देश में अगर मैं बात करूँ, तो लगभग 28 या 29 स्टेट आपके इंडिया देश में है, ठीक है।
तो 29 देश हैं। मैं अगर इसमें यूनियन टेरिटोरी जो 6-7 है उसको भी अगर मैं जोड़ लूँ तो करीबन हम मान लेते हैं कि 30, ठीक है। हम 7 यूनियन टेरिटोरी को एक स्टेट लगभग हम मान लेते हैं एक तरीके से यहाँ पर, तो लगभग 30, आप ये समझिए कि लगभग 30 ऐसे, मतलब 29 स्टेट और यूनियन टेरिटोरियों को कंबाइंड करूँ तो 30 आ जाता है करीबन। तो आप इसको 30 इंटू, आप ये मान सकते हैं कि 10,000 तो सिर्फ ओडिशा ओडिशा ने वैकेंसी दी है और बाकी स्टेटों ने भी अपनी अपनी वैकेंसी निकाली हुई है। तो मैं अगर ऑन एन एवरेज अगर एक एक स्टेट की 5-5 हज़ार वैकेंसी भी निकालूँ, ठीक है, मैं करेंटली मान लेता हूँ कि 5,000 वैकेंसी हर स्टेट ने निकाली हुई है, ऐसा मैं मान लेता हूँ। तो आपको करना क्या है, 5 को 30 से मल्टीप्लाई मारना है तो आपको मिल जाएगा कि 150, यानी करीबन करीबन आपको दिखेगा कि 1.5 लाख के करीब वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ इतने बड़े नंबर को ना याद रखें, सिर्फ इतना याद रखें कि लगभग आपको मैं बता देता हूँ 60,000+ वैकेंसी आपकी आ रखी है, ठीक है। मैंने इसको बहुत कम आइडिया में दिया है, ठीक है। हालांकि इससे काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी निकली हुई है, लगभग 1,000-1 लाख से भी ज़्यादा पोस्टों पर वैकेंसियाँ निकली हुई हैं इस समय करेंटली इंडिया देश पर, जिसके ऊपर अलग अलग तरह के पोस्टों पर नोटिफिकेशन निकाले गए हैं, जिसमें टीचर, नॉन टीचिंग पोस्ट, MTS, स्टीनो, नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग ऑफिसर, और इसके अलावा अलग अलग तरह के मेडिकल विभागों में पोस्ट, एम्स में भी वैकेंसी आ रखी है। और इस तरीके की आप देखोगे तो आपको दिखेंगे कि लगभग लगभग ये राजस्थान में भी जूनियर इंस्ट्रक्टर वैकेंसी है, उसको भी मैं नहीं आपके साथ डिस्कस कर पाया। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये 20 तरह के नोटिस आपको चेक करने होंगे खुद जाकर। आप कहाँ कहाँ पर चेक कर सकते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा आप लिंक्डइन पर जाओगे तो लिंक्डइन पर प्राइवेट जॉब्स के बारे में पता लगता है, वहीं आप अगर Indeed.com पर जाओगे तो वहाँ पर भी वर्ल्ड भर की वैकेंसियों के बारे में पता लगता है, लेकिन आप ऑनलाइन आर्टिकल्स रीड करोगे तो वहाँ वैकेंसी अधिक जाएगी। करीबन करीबन आप मान सकते हैं कि 60,000 से ज़्यादा वैकेंसी इंडिया देश में अभी करेंटली निकाली हुई हैं अलग अलग विभागों में, उसमें सारी मोस्ट ऑफ द वैकेंसियां गवर्नमेंट है, कुछ ही प्राइवेट है, मतलब मान के चले तो 10,000 के करीब वैकेंसी प्राइवेट सेक्टर की हैं और ज्यादातर सेक्टर जो है गवर्नमेंट के अंदर इतनी वैकेंसी आ रखी है। तो लेनी हो तो अप्लाई कर देना, मैं आपको बता दूं इतनी वैकेंसी आ रखी हैं जिसके ऊपर 20 नोटिस अलग अलग तरीके के आउट करे गए हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ NVS वाला नोटिफिकेशन पूरा डिस्कस करूंगा, जिसके अंदर मैं आपके साथ एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन सारा कुछ डिस्कस करूंगा। NVS नवोदय विद्यालय वाला का नोटिफिकेशन मैं इस वीडियो में कवर करके दे रहा हूँ, एक एक पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो समझ आ जाए तो इसको अप्लाई कर देना, ये आपके लिए मैं स्पेशली लाया हूँ इस वीडियो को। और मैंने वीडियो के सही नीचे आपको अप्लाई लिंक और नोटिफिकेशन और वेबसाइट लिंक प्रोवाइड करा दिया है, तो वहाँ से जाके अप्लाई कर लेना, ठीक है। पूरा इंडिया इन वैकेंसियों पर एलिजिबल रहेगा, जो ये 60,000+ वैकेंसी मैंने आपको बताई है, ठीक है। अगर आप लोग उन 60,000 वैकेंसियों में भी अपने आप को जॉब नहीं दिला पा रहे हो तो आपको फिर यही है कि फिर आपको अगली रिक्रूटमेंट के लिए तैयार होना होगा, ठीक है। एग्ज़ाम होंगे ज़्यादातर वैकेंसियों पे, आप देख सकते हैं। ये आपकी NVS का वेबसाइट है, ये आप देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कूल्स हैं, मतलब कि ये स्कूल सरकारी है, ठीक है। इसमें आपको यहाँ आना होगा तो आपको यहाँ से दिखेगा, मैं इसको थोड़ा ऐसे आगे करता हूँ। तो देखिए ये नोटिफिकेशन इन्होंने दे दिया है कि हम सीधा रिक्रूट कर रहे हैं लोगों को, और ये हम नॉन टीचिंग पोस्ट पर, मतलब कि ये कोई पढ़ाने वाली पोस्ट नहीं है, नॉन टीचिंग पोस्ट है, इसके अंदर हम रिक्रूट कर रहे हैं और पोस्ट ऑफ HQ और RO एंड जवाहर नवोदय विद्यालय कैडर्स इन NVS, ठीक है जी। तो NVS बेसिकली क्या है, नवोदय विद्यालय समिति है, और इनकी जो समिति है, इस समिति के स्कूल हैं, और इस स्कूल के इनको इस इनके स्कूल्स को बोला जाता है जवाहर इसके इनके स्कूल को बोला जाता है जवाहर नवोदय नवोदय स्कूल, ठीक है जी। इनके स्कूल को इस तरीके से बोला जाता है। तो ये इनके स्कूल हैं, यानी कि JNV, मतलब कि JNV मतलब हो जाता है जवाहर नवोदय विद्यालय, ये स्कूलों के नाम है, ठीक है जी। और इन स्कूल के अंदर टोटल रिक्रूटमेंट होगी आप लोगों की, 1,380 के करीब वैकेंसी निकाली है, जॉब पूरी की पूरी टोटली गवर्नमेंट होगी। और ये स्कूल, ये कहाँ जाएगी जॉब, ये जाएगी NVS के जगह जगह जो रीजनल ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, स्कूल्स हैं, वहाँ पर जाएगी। और मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई मार्च एंड तक, यानी आज से करीब 15 दिन बाद आप देखोगे कि NVS अपना टीचिंग पोस्ट पर भी रिक्रूटमेंट दे देगा, और इसी तरीके से KVS भी आपका मार्च एंड तक नोटिस देगा। और इसके अलावा भी धीरे धीरे आप देखोगे कि तमिलनाडु ने 4,000 वैकेंसी पहले ही अभी दे दी हैं अपने टीचिंग पोस्ट पर, और इसके अलावा तेलंगाना में तो वैसे ही फॉर्म चल रहा है जिसके जिसके ऊपर 11,000 वैकेंसी आ रखी है। तो करीबन वैकेंसियों की तो आपको दिख रही होंगी कि जगह जगह निकाली गई हैं। तो अगर आप लोग नहीं देख पा रहे हो जॉब, तो मैं आपको बता दूं इतनी सारी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, करीबन अभी करेंटली 1 लाख+ रिक्रूटमेंट चल रही है, और प्लस 1 लाख के करीब वैकेंसियों के नोटिस आ चुके हैं जिसके फॉर्म 2-4 दिन में चालू होने, ठीक है। और ये सारी वैकेंसी में पूरा इंडिया को एलिजिबल रखा है, मतलब कि सिर्फ ये 1 से 2 लाख वैकेंसी सिर्फ इंडिया के लोगों को ही मिलनी है,
ठीक है। तो इसीलिए अगर आप लोगों को लेना है, आप किसी भी स्टेट किसी भी यूनियन टेरिटोरी से हो, तो आप इन वैकेंसियों को लेने जाओ, ये वैकेंसी आपके लिए ही है। अगर आप 10th पास हो, 8th पास हो, ग्रेजुएशन पास आउट हो, डिप्लोमा डिग्री PhD पास आउट हो, तो आपकी ही वैकेंसी है। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये वेबसाइट के नीचे हम थोड़ा चलते हैं, तो आपको यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर आपको व्हाट्स न्यू के अंदर आपको इसको ऐसे करना पड़ेगा प्ले। ठीक है, प्ले करोगे ये आपका यहाँ पर दिख जाएगा कि ये देखिए, ये डायरेक्ट ये नोटिस आ रखा है। मैं इसी नोटिस की बात कर रहा हूँ, इसी यही आपका पूरा फाइल है। इसी के बाद कुछ दिन में आपको दिखेगा, लगभग 15 दिन के अंदर एक और यहाँ पर नोटिस दिखेगा, जिसके अंदर आपको करीबन 5 से 10 हज़ार से भी ज़्यादा वैकेंसी दिखेंगी। अप्रोक्स आप मान सकते हैं NVS 5 हज़ार के ज़्यादा से भी ज़्यादा टीचर को रिक्रूट करके जॉब देगा, इतना तो मैं भी कन्फर्म कर रहा हूँ। भाई देखिए, स्कूल हैं 500 600, अगर 5 हज़ार वैकेंसी, मतलब क्या हो जाता है, 500 स्कूलों में अगर 5 हज़ार वैकेंसी आ जाए, तो करीबन करीबन ये होता है कि 500 × 10, ठीक है, यानी कि हर स्कूल 10 10 टीचर को ले रहा है। अब देखिए, अब एक स्कूल में अगर 10 टीचर भी आ जाए, तो कोई ज़्यादा स्टाफ ज़्यादा नहीं आ गया, क्योंकि स्कूल काफ़ी बड़े होते हैं NVS के इंडिया देश में। और अगर एक एक स्कूल में 10 10 टीचर भी रिक्रूट हो रहे हैं, हालांकि वैकेंसी तो ज़्यादा ही आएंगी, 10 टीचर तो बहुत कम हो जाएंगे, मैं फिर भी एक एग्जांपल लूँ, तो अगर 500 स्कूल के अंदर 10 10 टीचर भी चले जाएँ, तो 5 हज़ार तो करीबन यही वैकेंसी हो जाती है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि NVS जो है वो लगभग 5 हज़ार से ज़्यादा वैकेंसी निकालेगा अभी नोटिस के साथ टीचर्स की वैकेंसी पर। अगर NVS में जाना है तो वहाँ चले जाना, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में ही जाओ तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जाओ। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब बढ़िया अच्छी रहती है स्टेट गवर्नमेंट से, तो मैं आपको कह दूँ कि स्टेट गवर्नमेंट की जॉब से अच्छी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होती है। और उसमें भी अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट्स के स्कूल में ही जाना चाहते हो इंडिया देश में, तो KVS NVS है, और इन सब में जाओ, नहीं तो बाकी तो आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नोटिस डिस्कस करते हैं। आप देखिए, नवोदय विद्यालय समिति, ये नोटिस है, आप देखोगे एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। इनका B15 इंस्टीट्यूशनल एरिया सेक्टर 62, नोएडा डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर UP स्टेट के वहाँ पर इनका हेड ऑफिस है। बेसिकली ये जो नवोदय विद्यालय समिति है, इनका मेन जो आपका आप ये मान सकते हैं मेन ब्रांच जो है, बेसिकली मेन जो इनका हेड ऑफिस है, मेन इनका जो ऑफिस है वो यूपी स्टेट के नोएडा एरिया में है। ठीक है जी, उसका एड्रेस लिखा हुआ है। रिक्रूटमेंट ड्राइव है, नॉन टीचिंग पोस्ट है। अगर आप टीचिंग पोस्ट में नहीं जाना चाहते तो इन पोस्ट पर चले जाना। इसमें ये लोग कह रहे हैं कि हम महिला स्टाफ नर्स को रिक्रूट करेंगे, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ASO, ऑडिट असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर और स्टीनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर और कैटरिंग सुपरवाइज़र और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जो कि हम रिक्रूट करेंगे डायरेक्ट अपने हेडक्वार्टर्स में और रीजनल ऑफिसेज कैडर्स के अंदर। इसके अलावा ये लोग जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जो कि ये लोग रिक्रूट करेंगे NJNV कैडर में, और इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर और लैब अटेंडेंट और मैस हेल्पर एंड मल्टी टास्किंग स्टाफ यानी MTS को ये लोग डायरेक्ट हेड ऑफिस और रीजनल ऑफिसेज के अंदर रिक्रूट करेंगे। इन हेड ऑफिस या फिर रीजनल ऑफिसेज या फिर NLIs एंड जवाहर नवोदय विद्यालय, ठीक है जी, विद्यालयों में भी आपको रिक्रूट कर सकते हैं। तो मतलब ये वैकेंसी ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल्स में ही आई है, इनके खुद के जो एरिया वाइज ऑफिसेज है ना, इनके जो खुद के अलग अलग एरियाओं में ऑफिस खुले हुए हैं, रीजनल ऑफिस या हेड ऑफिसेज, वहाँ पर भी लोगों की रिक्रूटमेंट जाएगी। नवोदय विद्यालय समिति ने कहा है, हैंस फोर्थ मैंशनड एज NVS इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये गवर्नमेंट है। ठीक है, आपको बता दूँ, इट हैज़ इट हेडक्वार्टर्स ऑफिस एट नोएडा, और आपको बता दूँ इसके जो आपके टोटल रीजनल ऑफिसेज हैं, 8 इसके रीजनल ऑफिस हैं, एक इसका भोपाल में है, चंडीगढ़ में है, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना और पुणे और शिलोंग में है, और 7 इनके NLIs हैं, जो कि एक अमृतसर में है, गोवा और कमरूप, और इसके अलावा नोएडा, पुरी और रंगा रेड्डी उदयपुर में है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, 650 से भी ज़्यादा इनके खुद के स्कूल हैं नवोदय विद्यालय समिति की। आप देखिए कितने स्कूल हैं इनके, 650 से भी ज़्यादा, इन स्कूलों की संख्या आप समझ सकते हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा स्कूल हैं KVS के। ठीक है जी, लेकिन आप ये देखिए कि नवोदय विद्यालय समिति भी सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है इनके स्कूल, नवोदय विद्यालय समिति के स्कूल्स। और इसके अलावा आप देखोगे कि KVS के स्कूल भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ही है। तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि भाई इनके इनके पास कितने स्कूल है, हालांकि है ये सारे गवर्नमेंट में ही। देखिए भाई,
लगभग केवीएस के पास तो इससे ज़्यादा डबल है भाई। ये देखिए इनके जितने स्कूल है ना, इसके डबल तो इन केवीएस अकेले के पास है। केवीएस वालों के पास, केंद्र विद्यालय संगठन वालों के पास 1200+ स्कूल हैं, यानी कि आप समझ रहे हैं कितने स्कूल हैं। ये संख्या काफ़ी बड़ी है, मतलब 1200 स्कूल एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में 1200 स्कूल। ये तो सिर्फ केवीएस के एनवीएस के हो गए, बाकी जो स्कूल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और भी स्कूल आते हैं, ईएमआरएस अभी नए आए हैं स्कूल ईएमआरएस नाम से। तो आप देख सकते हैं कि भाई एजुकेशन के अंदर कितने स्कूल लाए गए हैं पूरे इंडिया भर में। तो आप इतना समझिए कि एक 650 से भी ज़्यादा स्कूल के अंदर ये आप लोगों को रिक्रूट करके भेजेंगे। इसके अलावा ये अपने रीजनल ऑफिस और हेड ऑफिस के अंदर आपको भेजने वाले हैं रिक्रूट करके। यानी कि आपकी जॉब तो अच्छी होगी, गवर्नमेंट जॉब होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होगी, तो आप चले जाएँ इधर। ये देखिए मैं आपको बताऊँ, फंक्शनल ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अभी देखिए अभी ये तमिलनाडु स्टेट में ये इनके एनवीएस स्कूल जो है अभी तक तमिलनाडु स्टेट में नहीं है, बाकी पूरे इंडिया में इनके स्कूल्स हैं। ठीक है जी, अब वो ये जानते होंगे इनके स्कूल वहाँ क्यों नहीं खोले गए इनके द्वारा, वो ये लोग जाने। इतना आप समझिए कि एनवीएसआर कोएड मतलब कि को एजुकेशनल है, मतलब कि यहाँ पर मेल फीमेल, महिला और पुरुष, यानी कि लड़का लड़की दोनों वहाँ एजुकेशन एक साथ कर रहे होते हैं। बेसिकली कोएड स्कूल ये होते हैं, फुल्ली रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं अप टू सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी 12th तक, एंड आर लोकेटेड मेनली इन रूरल एरियाज। और मेनली ये लोग रूरल एरिया में लोकेटेड है, मतलब कि अर्बन और रूरल में बेसिकली ये होता है कि ये लोग ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण एरिया में इनके जो है, एंड आर लोकेटेड मेनली इन रूरल एरिया, ग्रामीण एरियाओं में इनके स्कूल हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। और एनवीएस इन्वाइट कर रहा है ऑनलाइन फॉर्म, जो भी इंडियन सिटीजन हो इस रिक्रूटमेंट पर अप्लाई करें। तो आप समझिए कि 650 तो इनके स्कूल ही अकेले हैं, तो अगर आप देखेंगे तो वैकेंसियों की संख्या तो लगभग इन्होंने 1380 निकाली है करीबन, तो इतने लोगों को ये लोग जॉब देंगे। और मैं आपको बता दूँ ये जो टोटल वैकेंसी हैं, आप हो सकता है कि ये वैकेंसी जब तक लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगी रिक्रूटमेंट होने के बाद, तो ये वैकेंसियों की संख्या हो सकती है तब तक बढ़ जाए या घट जाए। ठीक है, तो चेंजेस आप तब तक देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं तो ये वैकेंसी अच्छी है, अगर अप्लाई करनी हो अप्लाई करना। आपको बताया तो इंडियन सिटीजन्स के लिए जॉब निकाली गई है, ये इंडिया के लोग, बेसिकली इंडियन सिटीजनशिप बहुत आसानी से ली जा सकती है। आपको करना क्या होता है, ऑनलाइन अगर आपका बाय बर्थ अगर इंडिया में बर्थ हुआ है तो आप बहुत आसानी से, अगर आपका बर्थ इंडिया देश में हुआ है तो बहुत आसानी से आप लोग इंडियन सिटीजनशिप ले पाओगे, और उसके बाद आसानी से इन जॉब को ले पाओगे अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है। लेकिन अगर आपकी बर्थ इंडिया में नहीं हुई है तब भी आप इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हो। उसके लिए कुछ टाइम पीरियड रखा गया है कि भाई इतने समय आप इंडिया देश में रहोगे या रहे होने चाहिए, तभी आपको वो वैकेंसियां मिलती हैं, तभी आप सिटीजनशिप ले पाते हो। तो ये कंडीशन है, आप देखें और सिटीजनशिप लें। ठीक है, तो आप इससे काफ़ी वैकेंसियाँ ले पाते हैं। तो एनवीएस ने ऑनलाइन फॉर्म भरवाने के लिए बोला है, इंडियन सिटीजन से डायरेक्ट रिक्रूट करेगा वो। पोस्ट उसने बोली है एएसओ, एएओ, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर और लीगल असिस्टेंट, स्टीनोग्राफर, और तरह तरह की पोस्टें दी हैं, और ये डायरेक्ट इन्होंने अपने रीजनल ऑफिस और हेडक्वार्टर्स में दी है। वहीं मैं आपको बता दूँ टोटल इनके जो स्कूल्स के अंदर वैकेंसी हैं वो भी अलग अलग पोस्टों पर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब कैंडिडेट मे बी पोस्टेड एनी वेयर इन इंडिया। अब देखिए ये लोग अपने ही किसी भी, अपने ही विभाग के, अपने ही मतलब ऑफिस के, अपने ही स्कूल के किसी किसी भी एरिया में भेज सकते हैं। बेसिकली ये लोग पूरे इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग आप ये कर सकते हैं। ऑन इनिशियल पोस्टिंग ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ स्टेशन रीजन विल नॉट बी एंटरटेन्ड। मतलब ये है कि भाई कोई भी किसी को भी कहीं भी पोस्ट कर दिया, मान लो कोई कैंडिडेट यहाँ से यहाँ पर गया इस वैकेंसी को लेने, और उसने इस वैकेंसी का रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम वगैरह निकाल दिया, अब वो ज्वाइनिंग लेने गया तो उसको पता लगा कि वो अपना एग्ज़ाम सेंटर जहाँ उसने एग्ज़ाम दिया है इस वैकेंसी के लिए, या जहाँ से वो रह जहाँ का वो रहने वाला है, वो मान के चलो उसका बिहार का है या कर्नाटका का है, और उसको जब ज्वाइनिंग मिल रही है तो उसको पता लगा कि उसने एग्ज़ाम वगैरह सब निकाल लिया और उसको कर्नाटका से उसने एग्ज़ाम दिया था, और उसको जब ज्वाइनिंग मिली तो उसको पता लगा कि उसकी ज्वाइनिंग जो है वो हुई है मान के चलो कश्मीर या जम्मू की साइड हो गई है, या फिर अरुणाचल प्रदेश या गुजरात या महाराष्ट्र की तरफ हो गई है। तो इसमें मैं आपको साफ साफ बता दूं भाई कि आपकी पोस्टिंग पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया देश में कहीं भी हो सकती है। ठीक है, अगर आपको ये जॉब करनी हो तभी अप्लाई करना, पोस्टिंग कहीं भी हो जाएगी इंडिया भर में, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इनिशियल पोस्टिंग ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्वेस्ट, ठीक है जी, तो कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। और आप अगर, और पोस्टिंग होने के बाद आप ये नहीं कहोगे कि मेरे को ट्रांसफ़र लेना है, कि यार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमारा रीज़न चेंज कर दो, नहीं, आप शुरुआती तौर पर सर्विस दोगे यहाँ पर कुछ साल तक, उसके बाद हो सकता है आप इस चीज़ को चेंज कर पाओ। डिटेल्स ऑफ पोस्ट वाइज मैं आपको हर एक पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ बता देता हूँ। ये टेंटेटिव वैकेंसी है, मतलब कि जब तक लोगों को रिक्रूटमेंट ना हो जाए, जब तक ज्वाइनिंग ना मिल जाए, तब तक ये वैकेंसी आप मान नहीं सकते कि ये फाइनल है। ठीक है, इंक्लूड एक्चुअल एज वेल एंड एंटीसिपेटिंग
पेटेड वैकेंसी ऑन अकाउंट रिटायरमेंट प्रमोशन एक्सेट्रा, ठीक है जी। तो वैकेंसीज टेंटेटिव है, मतलब ये बढ़ घट सकती हैं, मतलब कहीं पता लगा आगे चल के ये वैकेंसी 2000 3000 पहुंच गई तो लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा, अगर वैकेंसी कम हो गई तो लोगों के लिए बुरा हो जाएगा कि वैकेंसी कम हो गई, ये हो सकता है। अगर किसी को भी जॉब चाहिए इसको ले लेना, मैं आपको बता देता हूँ पोस्ट कोड वाइज आपको देखना होगा, जब आप फॉर्म भरोगे तो पोस्ट कोड वाइज सिलेक्ट कर लेना, मैं इसका फॉर्म भर के दे दूंगा। अभी देखिए फीमेल नर्स स्टाफ ग्रुप बी का पोस्ट है, इसके अंदर जनरल वर्क से 85 लोग चाहिए, ईडब्ल्यूएस से 12 चाहिए, ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर 12 चाहिए, एससी 10 चाहिए, एसटी 2 चाहिए, टोटल 121 लोग चाहिए। डिसेबिलिटी वाले अपनी वैकेंसी देख लें इस तरीके से। सेम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप बी का पोस्ट भी आप कैटेगरी वाइज समझ लें कितनी किसकी क्या क्या वैकेंसी है, तो आप यहाँ से अपनी अपनी वैकेंसियाँ देख लेना, टोटल पोस्ट वाइज यहाँ से आपको वैकेंसियाँ समझ आ जाएंगी। तो यहाँ तो आपकी सारी वैकेंसियों के बारे में ही लिखा है, तो हम इसको छोड़ते हुए आगे आगे बढ़ जाते हैं। रिजर्वेशन डिसेबिलिटी वालों का भी होगा इन वैकेंसियों में, जो भी है ये एक्ट 2016 वाला देख लेना, उससे आपका रिजर्वेशन रहेगा इसके अंदर, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। अब डेजिग्नेशन मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले अगर आप फीमेल स्टाफ नर्स का वैकेंसी लोगे और अगर आप डिसेबिलिटी में हो तो याद रखें कि आपको अगर कम दिख रहा है, लो LV है, OL है, CP और CL, LC और DFW यानी ड्वार्फिज्म, और इसके अलावा एसिड अटैक विक्टिम, और अगर आप इनमें से किसी में भी आते हो A से लेकर D तक के किसी पॉइंट में, तो आपको आसानी से फीमेल स्टाफ नर्स का वैकेंसी मिल पाएगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए। मतलब अगर कोई कैंडिडेट जा रहा है फीमेल स्टाफ नर्स का वैकेंसी लेने, तो उसको इतना याद रखना है कि वो सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, मैनिपुलेशन विद फिंगर, रीडिंग, राइटिंग और इसके अलावा यहाँ पर जो है हेयरिंग, मतलब कि ये चार पांच इस ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट अगर वो फुलफिल कर रहा है तो बेसिकली वो ये वैकेंसी को ले सकता है। मतलब उसको याद रखना है कि उसकी डिसेबिलिटी ये A से लेकर D में से कोई एक होनी चाहिए, और इसके साथ साथ और इन सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट को उसको फुलफिल करना होगा तो उसको मिल जाएगी, ठीक है जी। सेम आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए भी देख लेना कि भाई आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट होनी ही चाहिए, तभी उस डिसेबिलिटी वाले कैटेगरी वाले को वैकेंसी मिलेगी। आपको बता दूँ हर डिसेबिलिटी वाले को सारी वैकेंसियाँ नहीं है, हर डिसेबिलिटी वाले को चेक करना होगा कि उसकी जो डिसेबिलिटी है उसके हिसाब से उसको कौन सा पोस्ट मिलेगा और उस पोस्ट के लिए उसको क्या क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, अगर वो कर देता है तो उसको वैकेंसी मिलेगी, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप जो चेक करना होगा, मैं इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ, यहाँ पर जो SST और ये जो डिसेबिलिटी की फुल फॉर्म है मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए LD मतलब है लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, विजुअली इम्पेयर्ड और हेयरिंग इम्पेयर्ड, और EXM यानी कि एक्स सर्विस मैन, इसके अलावा फिजिकल रिक्वायरमेंट एब्रीविएशन आपको बता दूँ, S मतलब सिटिंग, ST मतलब स्टैंडिंग, वॉकिंग, वेंडिंग, लिफ्टिंग और किनिंग एंड क्रोचिंग, इसके अलावा जंपिंग और क्रॉवलिंग और क्लिंबिंग और पुलिंग पुशिंग, ये सारी आपकी रहेंगी फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ठीक है जी। आप अगर ये फुलफिल नहीं कर रहे हो उस पोस्ट के लिए जिस पोस्ट को आपको चाहिए, तो उसके लिए आप ध्यान रखें कि फिर आपको वैकेंसी नहीं मिलेगी। मतलब भले ही आपकी कोई सी भी डिसेबिलिटी हो, सपोज मान लो वन आर्म अफेक्टेड, वन लेग अफेक्टेड, बोथ आर्म अफेक्टेड, बोथ लेग और OAL और बाकी जितनी भी डिसेबिलिटीज आपकी हैं, और अगर आप इनमें से ध्यान दे लेना कि भाई आपकी जो भी डिसेबिलिटी है उसके आगे आपको ये चेक करना होगा कि उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या चाहिए उस पोस्ट के लिए जिस पोस्ट को आप लेना चाह रहे हैं, तो अगर वो फुलफिल हो रही हो आपकी तभी आप लेंगे। जैसे सपोज मान लेते हैं कोई कैंडिडेट कह रहा है कि मेरे को इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का पोस्ट चाहिए और मेरी डिसेबिलिटी जो है वो मेरी डिसेबिलिटी ये है कि हार्ड ऑफ हियरिंग डिसेबिलिटी है मेरी, ठीक है। HH है, HH मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब कि मेरे को सुनने में दिक्कत होती है, हार्ड ऑफ हियरिंग ये मेरी डिसेबिलिटी है, ठीक है जी। तो इसमें अगर आपकी ये डिसेबिलिटी है, HH वाली मान के चले आपकी डिसेबिलिटी है, और आपको इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का वैकेंसी चाहिए और आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो याद रखें कि आपको ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होंगी, जैसे कि SST WLMF और SC, मतलब यहाँ पर लिखा है स्टैंडिंग, S और ST मतलब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, सिटिंग, स्टैंडिंग और इस तरीके से रहेगा, और यहाँ पर आप देखेंगे वॉकिंग और इसके अलावा लर्निंग, और यहाँ पर MW मतलब मैनिपुलेशन विद फिंगर, तो ये कुछ कॉमन से आपके फिजिकल रिक्वायरमेंट होंगे, अगर आप इसको फुलफिल करेंगे तो आपको वो वैकेंसी ज़रूर मिलेगी, ठीक है। आप मतलब आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे अप्लाई करने के लिए। अब बात आती है एज वाइज क्या है और किस पोस्ट के लिए एक्चुअल में क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और कितनी कितनी सैलरी किसको मिलेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह क्या होगा। सबसे पहले फीमेल स्टाफ नर्स
पोस्ट के लिए आपको 45,000 से लेके 1,40,000 तक के बीच का सैलरी होगा, यानी करीबन आप मान सकते हैं कि आपको इस पोस्ट पर 50,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे, यानी 50,000 रुपये से ज़्यादा ही पर मंथ मिल रहे होंगे। आपको बता दूँ आपकी एज अप्लाई करने के लिए 35 होनी चाहिए, मैं मतलब 35 35 से कम होनी चाहिए, 35 लास्ट एज है इस पर अप्लाई करने के लिए। मतलब अगर कैंडिडेट 35 का 35 से कम होगा तभी वो फॉर्म डालेगा। उसको याद रखना है उसकी जो डिग्री होगी उसकी क्वालिफिकेशन ऐसी हो कि वो बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन नर्सिंग करके आ गया हो किसी भी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से, या फिर वो रेगुलर कोर्स करके आया हो बीएससी नर्सिंग में किसी भी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से, और इसके अलावा अगर उसने बीएससी नर्सिंग कोर्स करा हुआ है किसी भी इंस्टीट्यूट से तो भी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग भी एक्सेप्ट होगा। इसके अलावा वो कैंडिडेट अपने आप को अपना उसका रजिस्टर्ड होना चाहिए एज नर्स या फिर नर्स मिडवाइफ के तौर पर वो रजिस्टर्ड होना चाहिए किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अंदर, ठीक है। स्टेट में नहीं है तो ऑल इंडिया नर्सिंग काउंसिल में भी आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट होगा यहाँ पर। एंड आपको बता दूँ 2 और 2.5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए आप लोगों का। आपको बता दूँ फीमेल स्टाफ नर्स के पोस्ट के लिए आप लोगों का कम से कम, आपको बता दूँ 2 साल 6 महीने का कम से कम एक्सपीरियंस लिया जाएगा कि आप किसी भी ऐसे हॉस्पिटल में जाकर एक्सपीरियंस कराए काम करके आ गए, कम से कम 2 साल 6 महीने के लिए, जो कि ऐसा हॉस्पिटल था जिस हॉस्पिटल के अंदर 50 बेड थे और उस हॉस्पिटल में गए आप और 2 साल 6 महीने के तरीके के लगभग टाइम पीरियड के अंदर आप वहाँ जाकर एक्सपीरियंस करके आए इसी पोस्ट पर, तो आप लोग एलिजिबल हो। तो मतलब क्वालिफिकेशन भी चाहिए किसी किसी पोस्ट पर, एक्सपीरियंस भी चाहिए। इसके अलावा आपकी वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी के अंदर, और उसके अलावा रीजनल लैंग्वेज मतलब जिस भी एरिया में आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, और इंग्लिश भी आनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश और उस एरिया की भाषा जो जहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी, ठीक है जी। तो ये सब आपके लिए क्वालिफिकेशन रहेंगी। तो इसी तरीके से आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का देखना है कि उसको कितना सैलरी मिल रहा है, उस पर अप्लाई करने के लिए क्या एज है। उसके लिए तो सिर्फ बैचलर डिग्री चाहिए किसी फील्ड की और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप लोग हर पोस्ट का देखेंगे कि किस पोस्ट पर कितनी सैलरी है, कितनी एज चाहिए और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो आप यहाँ से हर एक पोस्ट का देखेंगे। मैं आपको बता दूँ दोस्तों सारी पोस्टेड बैचलर पास आउट वालों के लिए नहीं है, कुछ इसमें मास्टर पास आउट वालों के लिए भी हैं, और इसके अंदर कुछ ऐसी पोस्टें भी हैं जो कि लॉ डिग्री वालों के लिए भी पोस्ट निकाली है, जैसे कि लीगल असिस्टेंट की पोस्ट पर। इसी के अलावा आप देखोगे कंप्यूटर ऑपरेटर इनको चाहिए वो कैंडिडेट जिसने BCA नाम का एक कोर्स होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, या BSc इसने कर रखा है तो वो इसको ले सकता है। वहीं कैटरिंग सुपरवाइज़र का पोस्ट अगर किसी को चाहिए तो उसको उसके लिए यहाँ पर बैचलर डिग्री उसका HM होटल मैनेजमेंट का होना चाहिए। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये सब रहेगा। तो आप लोगों को करना क्या है, देखिए किसी पोस्ट को ये लोग देखिए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट पोस्ट को ये लोग रिक्रूट कर रहे हैं सिर्फ 12th पास को, समझ रहे हैं। मतलब मैंने बोला बैचलर डिग्री वाले के लिए भी वैकेंसी है, मास्टर पास आउट के लिए भी है, मतलब कि UG PG और इसके अलावा 12th और 10th दोनों हर क्लास के लोगों के पास आउट के लिए वैकेंसियाँ हैं, मतलब कि 10 12 और बैचलर और जो उसके ऊपर मास्टर है इन सभी के लिए वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है जी। आप सभी लोग देख सकते हैं मिनिमम 10th पास के लिए भी वैकेंसी है। आप देखोगे देखिए ये देखिए ITI वालों का वैकेंसी यहाँ दिया है, तो मतलब 10th से लेकर PhD तक के लोगों तक की वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप लोग ऐसी वैकेंसी लेना चाहो भले ही आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है और लोअर पोस्ट लेना चाहो तो उसके लिए आप लोग पहले ही एलिजिबल रहे, ठीक है जी। तो मैं वही कह रहा हूँ इसलिए आप लोग ऐसी पोस्ट है, सपोज कोई कैंडिडेट कह रहा है कि मेरे पास बैचलर डिग्री है और मुझे वो पोस्ट चाहिए जो कि 10th पास 12th पास वाले के लिए, तो आप उसके लिए तो पहले ही एलिजिबल हो, तो आप उसको भी ले सकते हो, ठीक है। आपको करना क्या है, हर पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म डालना होगा, उसके लिए मैं आपको ये बताऊंगा क्या होगा। सबसे पहले ये समझिए किसी भी पोस्ट पर जितनी मैक आखिरी एज दी है उस एज के अंदर अपने SC ST हो तो 5 साल जोड़ो, OBC हो 3 जोड़ लो, अगर आप मैस हेल्पर पोस्ट लेना चाहते हो तो अपनी अपनी एज रिलैक्सेशन उसमें जोड़ लेना, ठीक है। पूरे इंडिया का रिजर्वेशन होगा इसमें वैकेंसियों में, ठीक है। अब बात करते हैं कंसेशन वगैरह सबको मिलेंगे, ऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले नॉर्म्स चलेंगे, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया SC ST OBC को जितने एज वाइज रिलैक्सेशन दे रही है वही यहाँ पर आपका रहेगा, ठीक है जी। अब बात कोई ये कोई कोई ये लोग कहेंगे कि भाई एज किस दिन से कैलकुलेट हो रही है, तो जिस दिन आपका इस वैकेंसी का फॉर्म बंद होगा, जिस दिन इस पे अप्लाई करने के लिए फॉर्म बंद होगा उस दिन आपकी जो भी एज होगी उसी को कैलकुलेट उसी दिन पे जो आपकी एज है वही एज कैलकुलेट कर रहे हैं ये लोग वैकेंसी देने के लिए। मतलब NVS ने साफ ये कहा है कि जिस दिन आपका ये फॉर्म बंद होगा उस दिन कैंडिडेट की जो एज होगी वही हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है, समझ आ रहा होगा सारी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो इस तरीके से आप देख लेना EWS लोग कौन होते हैं, SC लोग ST लोग कौन होते हैं। आपको पता है कि भाई आप फाइनेंशियली वीक हो तो आप लोग EWS में आओगे, अगर आप SC ST और रिजर्वेशन में नहीं आते तभी। तो आप लोगों को यहाँ से सारी चीज़ें रीड करनी पड़ेंगी कि आप किस वर्ग में आते हो और आपके पास आपके लिए क्या क्या रिजर्वेशन रिलैक्सेशन है इस वैकेंसी पर। तो उसके लिए आपको इधर से समझना पड़ेगा। मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, पूरे इंडिया के SC ST में 5 साल जुड़ेंगे अपर एज में, OBC में 3 साल जुड़ेंगे। अगर पूरे इंडिया में भी अगर वो नॉन क्रीमी लेयर में आ रहा है, OBC में क्रीमी लेयर है, तो वो अपना रिलेक्शन ना जोड़े क्योंकि उसको फिर जनरल से वैकेंसी मिलेगी। ठीक है, वही लिखा है, देखिए क्रीमी लेयर वाले को यहाँ पर रिलेक्शन नहीं होता। क्रीमी लेयर क्या होता है, ओबीसी में, ओबीसी वर्ग के अंदर, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर दो तरह से लोग हैं, एक तो क्रीमी लेयर है, एक नॉन क्रीमी लेयर है। क्रीमी लेयर मतलब ये हो जाता है कि उसको कुछ एक क्राइटेरिया दे दिया है कि अगर इस क्राइटेरिया के ऊपर अगर तुम आ रहे हो तो बेसिकली तुम क्रीमी लेयर हो, और तुम नॉन क्रीमी लेयर हो जो इसके इस लाइन के नीचे आ रहे हो। सपोज हम BPL बनवाते हैं, जब जैसे कि BPL कार्ड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोगों को देती है बेसिकली बिलो पॉवर्टी लाइन, तो उसके लिए भी एक लिमिट होती है कि भाई इतनी सैलरी हो, इतनी इनकम हो, या फिर नहीं कमाते हो, या ऐसा कुछ हो और इसके ऊपर है तो आप लोग BPL नहीं ले सकते हो, इसके नीचे हो तो ले सकते हो। वही चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। ठीक है, अब ये क्या है, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरह तरह के रूल्स और स्कीम है वगैरह, स्कीमें और रूल हैं जिसके चलते ये एक रिस्ट्रिक्टेड डेटा बनाने के लिए है कि भाई कौन किस वर्ग में है, तो वो आसानी से कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं कि कौन किस वर्ग में आ रहा है, कौन किस चीज़ में आ रहा है, जिससे कि वो आसानी से दे पाते हैं लोगों को फायदे कि किस वर्ग को किस तरीके का फायदा देना है। तो उसके लिए वो इस तरीके से लोगों तक पहुंचाते हैं बेनिफिट्स को। ठीक है जी, मेनली आप ये समझिए कि ओबीसी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का साफ साफ डिफरेंस यही है कि भाई क्रीमी लेयर मतलब वो लोग जो कि इनके द्वारा जो इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं कि आप लोग अगर ये चीज़ें फॉलो कर रहे हो, इन सब चीज़ों में आ रहे हो, तो आप लोग नॉन क्रीमी लेयर हो बेसिकली, और अगर इतने अमाउंट से अगर आप ऊपर हो बेसिकली तो आप क्रीमी लेयर में आ जाते हो। ठीक है जी, तो बेसिकली SC ST OBC EWS जनरल और आपके अलावा यहाँ पर डिसेबिलिटी एक्स सर्विसमैन स्पोर्ट पर्सन सभी लोग अपने रिजर्वेशन लेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला ऑल इंडिया रहेगा। ठीक है, मतलब वैकेंसी सबकी निकाली गई है, तो आपको यहाँ से रीड करना पड़ेगा सभी के लिए सारे रिलैक्सेशन रिजर्वेशंस को जो भी आपके लग रहे हैं। पूरे इंडिया में रिजर्वेशन रहेगा इन वैकेंसियों को लेने के लिए। मोड ऑफ सिलेक्शन मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, सिलेक्शन के लिए यहाँ पर एग्ज़ाम होगा, एक कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम होगा, उसके बिहाफ पर ये सिलेक्शन होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा और आपको ये ज्वाइनिंग मिल जाएगी टू पुट टुगेदर फॉर द पोस्ट ऑफ लीगल असिस्टेंट। ठीक है जी, और आपको बता दूँ आपका जो ये दोनों है एग्ज़ाम और इंटरव्यू, ये दोनों एक साथ होगा लीगल असिस्टेंट पोस्ट के लिए, ऐसा भी इन्होंने यहाँ लिखा है। बाकी पोस्टों का मैं आपको बता देता हूँ कि ऑन द कॉम्पिटेटिव एग्जाम ओनली। अब देखिए यहाँ पर स्टाफ नर्स का पोस्ट ले रहे हैं, ASO का पोस्ट और AA और JTO और कंप्यूटर ऑपरेटर और कैटरिंग ऑफिसर का, अगर आप सुपरवाइजर का पोस्ट ले रहे हो, MTS का पोस्ट ले रहे हो, तो आपको साफ बता देता हूँ कि आपको सिर्फ एग्जाम से ही सिलेक्शन मिलेगा, आपका कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। वहीं अगर आप स्टीनोग्राफर और सेक्रेटरिएट असिस्टेंट और बाकी ये जो लिस्टेड पोस्टें देते हो तो इनके लिए आपका एग्जाम भी होगा और ट्रेड सर्टिफिकेट का जो आपका स्किल टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट भी होगा। ठीक है, तो इतना तो आप भी समझते हो कि ऐसी स्किल आपके पास है, ऐसी क्वालिफिकेशन है जिसके अंदर हमारा जो है स्टीनोग्राफर अगर आप लोगे तो स्टीनोग्राफी कराएंगे। वहीं आप ऐसी पोस्ट लेते हो जिसमें सिर्फ एग्जाम ही लेना जरूरी है, इंटरव्यू उस पोस्ट के लिए कोई सेंस नहीं बनता, तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप समझ लेना यहाँ से। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये एग्जाम होगा कहाँ कहाँ पर इस वैकेंसी के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए। तो मैं आपको बताऊँगा स्टेट और स्टेट के और किस किस राज्य के किस शहर में एग्जाम है, मैं आपको बता देता हूँ। आंध्र प्रदेश के आप देख सकते हो, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश 6 बार आ रहा है, यानी कि आंध्र प्रदेश के अंदर 6 ऐसे बड़े जिले हैं, बेसिकली बड़े शहर हैं जहाँ पर एग्ज़ाम होगा। विशाखापट्टनम है, विजयवाड़ा, गुंटूर, नेलोर, काकीनाडा और अनंतपुर, ये 6 ऐसे बड़े शहर हैं आंध्र प्रदेश स्टेट के जिनके अंदर ये एग्ज़ाम कराएंगे। बेसिकली आंध्र प्रदेश में जितने भी जिले या जितने भी शहर हैं उन सारे शहरों को छोड़ो, अगर आप आंध्र प्रदेश में इन 6 शहरों के अंदर ही आपको एग्ज़ाम देने जाना है। बेसिकली आंध्र प्रदेश के यही 6 शहर हैं जहाँ पर आपके एग्ज़ाम सेंटर होंगे, इसके अलावा पूरा स्टेट खाली रहेगा, मतलब पूरे स्टेट भर में और कहीं एग्ज़ाम नहीं होगा इस रिक्रूटमेंट पे, सिर्फ इन लिस्टेड 6 शहरों में होगा। इसी के अलावा अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है, जहाँ के एक पोर्ट ब्लेयर जगह है, पोर्ट ब्लेयर वहाँ पर होगा। असम के अंदर गुवाहाटी, डिब्रूगढ़,
ठीक है जी, दिवरीगढ़ और सिलचर जैसी जगहों पर, और इसी के अलावा अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर और पटना गया, देखिए पटना गया ये सब बिहार में आ रहे हैं, भागलपुर और ये सब चीज़ें, तो आप देख लेना कि भाई कहाँ कहाँ आपका एग्ज़ाम हो सकता है। अभी आप लोग कहोगे कि यार हमारे हमारे एरिया का यहाँ पर सेंटर नहीं दिया, सिंपल सी बात है, आपके सेंटर आपके पास का जो एरिया है वहाँ जाकर एग्ज़ाम दे सकते हो आप लोग, ठीक है। सपोज कोई महाराष्ट्र से फॉर्म भरेगा तो आपको बता दूं, महाराष्ट्र के अंदर आपको मुंबई, पुणे, नागपुर, रत्नागिरी, नासिक और अमरावती जैसी जगहों पर सेंटर दिख जाएंगे, तो काफ़ी एक अच्छी खासी लिस्ट है, काफ़ी जगहों पर एग्ज़ाम रहेंगे इस रिक्रूटमेंट के। आप देखोगे काफ़ी लोग, अभी मैं आपको यहाँ पर दिल्ली वालों के लिए बताना चाहूँ तो दिल्ली वालों का यहाँ पर दिया है कि नहीं दिया वो भी हम चेक कर लेते हैं। मोस्टली लोग दिल्ली यूपी से अगर फॉर्म डाल रहे हैं तो उनके लिए मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए दिल्ली वालों के लिए सेंटर है, ठीक है भाई, दिल्ली वालों के लिए परेशान नहीं होना भाई, दिल्ली वालों के लिए सेंटर दे दिया है। सेम अभी कोई पूछेगा ओडिशा के लिए सेंटर दिया है, देखिए ओडिशा वालों के लिए भी यहाँ पर सेंटर है, ओडिशा वालों भी भाई परेशान मत होना, आपका सेंटर दिया है। मणिपुर वालों का अगर बात करें, मणिपुर के लिए दिया है क्या कोई सेंटर? मध्य प्रदेश तो यहाँ आ गया, ठीक है, नहीं है भाई मणिपुर में, आई थिंक मणिपुर में कोई सेंटर इन्होंने नहीं दिया है, ये दे दिया है क्या? मणिपुर में दिया है भाई, मणिपुर में आप देख सकते हो, मणिपुर स्टेट है इंडिया देश में, एक राज्य है मणिपुर, उसके अंदर उसको आपको बता दूँ दो जगहों पर, दो शहरों में सेंटर मिलेंगे आप लोगों को, मेघालय में भी दिया है, मिजोरम में भी दिया है, ठीक है, तो सब जगह सेंटर है, परेशान मत हो ना, आपके आसपास एरिया में मिल जाएगा सेंटर, ठीक है। तो ये लिस्ट है, अब आप कहोगे कि क्या इतने ही शहर रहेंगे? अभी देखिए अगर लोगों के फॉर्म ज़्यादा भरे जाते हैं तो यही संख्या बढ़ जाएगी सेंटरों की, अगर लोग कम फॉर्म डालेंगे तो हो सकता है कि इन्हीं सेंटरों की संख्या घट भी जाए, जो ये सिटी दी है बेसिकली इन सिटियों की संख्या घट भी सकती है, ठीक है। अब वही बात है कि आपके फॉर्म पर डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा फॉर्म डालते हो इस वैकेंसी में, वही डिसाइड करेगा कि कहाँ कहाँ पर सेंटर होगा कहाँ नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों को फॉर्म भरते समय चूज़ करना पड़ेगा कि भाई आपको किस शहर में जाके एग्ज़ाम देना है, ये फॉर्म भरते समय बता देना आप सभी लोग, ठीक है। अब डिसेबिलिटी वालों के लिए कुछ पॉइंट लिखे हैं आप रीड कर लेना। एग्ज़ाम स्कीम में बता देता हूँ, अगर आप फीमेल स्टाफ नर्स पर अप्लाई कर रहे हो तो आपके पेपर में आपको बता देता हूँ आपका एग्ज़ाम होगा जो, उसके अंदर रीजनिंग एबिलिटी आएगी 15 क्वेश्चन 15 नंबर, जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर 15 क्वेश्चन 15 नंबर, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट आएगा जिसमें GS मतलब कि जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के 10 मार्क्स का जो है, 10 10 मार्क्स के दो अलग अलग सेक्शन, अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 10 10 मार्क्स में, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के ही अलग हो गए। आपको बता दूँ स्टेट टेस्ट को आपको 2 घंटे 30 मिनट में पूरा कर देना है, विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट इंडिविजुअली, ठीक है, विदाउट एनी लिमिट, मतलब कि कोई अलग अलग सेक्शन की इन्होंने लिमिट नहीं दिया, इन्होंने डायरेक्ट कह दिया है कि 2 घंटे 30 मिनट में पूरा पेपर करके दे दो, ठीक है जी। ये अच्छी चीज़ है वैसे, मेरे हिसाब से ये चीज़ अच्छी रहती है, जब वो लोग जो सेक्शन में बांध देते हैं ना, फिर लोग पीछे सेक्शन पर नहीं आते। कुछ लोगों ने ऐसा भी कर रखा है कि आपको, आप एक बार उस दिए गए समय के अंदर उस सेक्शन को नहीं कर पाते हो तो आप फिर उस सेक्शन के जितने क्वेश्चन छूटे हैं वो छूट गए, फिर आप नेक्स्ट सेक्शन को करोगे, इस तरीके से करोगे। तो इस तरीके से कोई कैंडिडेट सोच के आया कि भाई मैं तो पेपर बैठते ही सबसे पहले मैथ के या इंग्लिश के पेपर लगाने वाला हूँ, इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर करने वाला, क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ, और उसको पता लगा कि उसको हर सेक्शन में, ठीक है, हर सेक्शन में उसको जो है इक्वल इक्वल टाइम मिलेगा, और उसको उसी हर सेक्शन को उसी दिए गए समय में पूरा करना है, तो ये कहीं ना कॉम्पिटिशन बढ़ाने वाली बात होती है, क्योंकि भाई आपको पता है कि दिए गए समय जो मिला है उसके अंदर अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ तो आप दोबारा उस पर वापस नहीं लौट सकते हो, और यहाँ पर वो ऐसा नहीं है, मतलब यहाँ पर आपको जो समय मिलेगा उसके अंदर आप लोग पूरे पेपर को कर सकते हो, मतलब कि दिए गए समय में आपको पूरे दिए गए समय में सारे पार्ट्स को कंप्लीट करना है। सेम आप इसी तरीके से यहाँ से देख सकते हो, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट के लिए भी इन्होंने यहाँ पर बता रखा है कि क्या क्या पूछेंगे आपसे, तो हर किसी पोस्ट का अलग अलग एग्जाम पैटर्न है, टॉपिक्स हैं, तो आप यहाँ से समझें ये पूरा इन्होंने एग्जाम पैटर्न बता रखा है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी किसी किसी पोस्ट पर आप देखोगे, जैसे आप लोग अगर लीगल असिस्टेंट पोस्ट अप्लाई कर रहे हो तो लीगल असिस्टेंट पोस्ट में मैं आपको बता दूँ आपका इंटरव्यू भी, इंटरव्यू स्टेज सेकेंड इंटरव्यू, इंटरव्यू में मैं आपको बताया था इंटरव्यू किस किस का होना है, तो आपको देख लीजिए, सबसे पहले स्टीनोग्राफर अगर पोस्ट अप्लाई करते हो तो स्टीनोग्राफर वालों के लिए एग्जाम भी होगा, इसके अलावा उनका स्किल टेस्ट होगा जिसके अंदर डिक्टेशन होगी 10 मिनट की, 10 मिनट्स में उनको जो है डिक्टेशन करनी है, बेसिकली 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। इसके अलावा उनको ट्रांसक्रिप्शन रहेगा, ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली ये होता है कि आपको हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी करना है, वो भी आपका यहाँ पर रहेगा, ये देख सकते हैं यहाँ पर 50 जो है MTS और 65 MTS हिंदी ऑन कंप्यूटर आपको करना होगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं,
ये आप लोगों के स्किल टेस्ट है बेसिकली स्टीनोग्राफर के। आपको बता दूं कंप्यूटर ऑपरेटर पर अप्लाई करने वालों का एग्जाम पैटर्न ये होगा, और जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए जरूर ये चीज़ जरूर देखें कि आपका टाइपिंग टेस्ट भी हो रहा है, स्टीनोग्राफी टेस्ट भी हो रहा है, बेसिकली स्किल टेस्ट भी होगा पोस्टों का और एग्ज़ाम भी होगा। तो अपना पैटर्न एग्जाम का चेक कर सकते हैं कि किस पोस्ट पर क्या सिलेबस आएगा, क्या टॉपिक आएंगे और क्या क्या पेपर में आएगा। ठीक है जी, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। ट्रेड टेस्ट किस पोस्ट का होगा वो आप देख लो, और ट्रेड वाले पोस्टों का स्किल टेस्ट भी होगा वो भी आप समझ के रखें। एमटीएस वाला भी यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से 7 दिन पहले आएगा, तो मैं आपको बता दूंगा एग्ज़ाम कब होगा, तो अभी कुछ डेट बताई नहीं गई है। इधर आगे बढ़ते हैं, अप्लाई करने का प्रोसेस यहाँ दिया हुआ है, आप देख कर अप्लाई कर लेना। जैसे ही फॉर्म ओपन होगा फॉर्म भर के दिया जाएगा, अप्लाई कर लेना वीडियो देख कर। नो एप्लीकेशन फीस इज रिक्वायर्ड बाय द SC ST। अगर आप SC हो, ST हो, डिसेबिलिटीज़ वाले हो तो आप फॉर्म की फ़ीस नहीं दोगे। ठीक है जी, लेकिन आपको प्रोसेसिंग फ़ीस आप लोगों को भी देनी है, मतलब फ़ीस सबको देनी है। लेकिन आपको बता दूं अगर आप फीमेल स्टाफ नर्स पे अप्लाई करोगे तो आपको 1000 रुपये फॉर्म के देने हैं, 500 रुपये आपको प्रोसेसिंग फ़ीस देनी है, तो 1500 आपको देने होंगे। वहीं अगर आप SC ST डिसेबल्ड में आते हो तो आपको सिर्फ 500 रुपये प्रोसेसिंग देने हैं। ठीक है, सेम इसी के अंदर आपकी जो ये बाकी लिस्टेड पोस्ट है इसके लिए भी आप फीस देख सकते हैं कितनी कितनी लगेगी। तो आप एक्चुअल में यहाँ से समझ सकते हैं कि किस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए कितनी फीस आपसे चार्ज होगी, वो आप यहाँ से समझ लेना। अभी SC ST वाले ये सोचने लगेंगे कि हमसे फीस नहीं ले रहे हैं, तो एप्लीकेशन फीस नहीं ले रहे हैं उनसे, प्रोसेसिंग फीस 500 रुपये की उनसे भी ले रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो फीस सबसे लग रही है, ऐसा ना सोचे कि किसी से कुछ अमाउंट ले ही नहीं रहे। लेकिन फॉर्म भरने के बाद जब फॉर्म जमा हो जाए फॉर्म का डाउनलोड कर लेना, प्रिंट जरूर निकालना, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, स्किल टेस्ट निकल जाएगा, और जब आप ज्वाइनिंग लेने से पहले ही स्किल टेस्ट के बाद जब आपका रिजल्ट आएगा और जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओगे तब आपसे ये मांगा जाता है। और तब अगर आपके पास नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं वो मान लेंगे कि आपने फॉर्म भरा ही नहीं था, वो ये भी मान सकते हैं। रिजेक्ट आपको देखिए वैकेंसी ना देने के और रिजेक्शन के कारण उनको चाहिए तो वो कोई भी कारण लगा सकते हैं। इसीलिए कहूँगा फॉर्म का प्रिंट निकाल देना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि देखिए फॉर्म एप्लीकेशन प्रिंट आउट विल ऑल्सो बी सबमिटेड ड्यूरिंग DV के समय, मैंने वही कहा DV जब होता है तब आपसे ये चीज़ें मांगी जाती हैं, तो तब उसके लिए रेडी कर लेना। मुझे उम्मीद है सारे पॉइंट लोगों को क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपको फॉर्म भरते समय मेल आईडी और मोबाइल नंबर की ज़रूरत होगी, जिसकी मदद से आप आसानी से फॉर्म भर पाएंगे, और उसी पर आपको मेल आ जाएगा कि भाई आपका एडमिट कार्ड आ गया है, जाकर डाउनलोड करो, आपका रिजल्ट आ गया है, जाकर डाउनलोड करो, इंटरव्यू कराना है आके करवाओ, ये सारी चीज़ें मेल पर आती रहती है। अगर नहीं भी आए तो रेगुलर चेक करो NVS के वेबसाइट को। ठीक है, चलिए आप जनरल इंस्ट्रक्शन इन्होंने क्या बोला है कि सिर्फ इंडिया के ही लोग फॉर्म भरेंगे, इंडियन नेशनल्स ही फॉर्म भरेंगे, मतलब वो लोग जो इंडिया देश में हैं और इंडिया देश के सिटीज़न हैं वही इस वैकेंसी पर फॉर्म डालेंगे, दूसरे कंट्री वालों को नहीं डालना है इस वैकेंसी पर फॉर्म। ये क्लियर कट बात होनी चाहिए, आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि सिर्फ इंडिया के लोग ही इस वैकेंसी पर फॉर्म डालें, सिर्फ वही लोग। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रख दी है, किसी क्वेश्चन का आंसर गलत होगा तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग जाएगी, मतलब अगर किसी क्वेश्चन सही करने पर किसी क्वेश्चन को अगर आपको 2 नंबर दे रहे हैं तो गलत करने पर 0.5 मार्क्स हैं, वहीं अगर किसी क्वेश्चन को सही करने पर 1 नंबर मिल रहा है तो गलत करने पर 0.25 नेगेटिव में डाल देंगे। क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे हर सेंटर पर। ठीक है जी, समझ आ रहे होंगे सारे पॉइंट, आप यहाँ से देख लो एक बार। तो ये आपके लिए जनरल इंस्ट्रक्शन है, इसको मैं रीड नहीं करूँगा, आप देख सकते हैं। कोई आने जाने का खर्चा नहीं मिलेगा, चाहे आप इंटरव्यू करवाने जाओ, एग्ज़ाम देने जाओ, DV करवाने जाओ, स्किल टेस्ट देने जाओ, आपको खुद के ही बिहाफ पर जाने होंगे, अपने खुद के खर्चे पर ये सारे प्रोसेस करने होंगे इस रिक्रूटमेंट से जुड़े हुए। ठीक है, अगर कैंडिडेट इस वैकेंसी पर सिलेक्ट हो जाता है पूरे इंडिया देश में किधर भी उसको भेज देंगे, NVS के किसी भी रीजनल ऑफिस, किसी भी हेड ऑफिस, किसी भी स्कूल में भेज दिया जाएगा कि यहाँ जाओ, आपको इधर वैकेंसी लेकर जॉब करनी है। ठीक है जी, इस तरीके से रहेगा। और यहां पर इन्होंने ये भी बोला है अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो कैंडिडेट को कम से कम 2 साल समिति को देने हैं, NVS को अपने 2 साल देने हैं, अपने लाइफ के 2 साल सर्विस में देने हैं NVS को, और जब वो ज्वाइनिंग करेगा तभी उससे चीजें हो जाएंगी। मान के चलो वो बीच में ही, मान लो ज्वाइनिंग के समय दो साल का एक बॉन्ड साइन करेगा कैंडिडेट कि मैं 2 साल अपनी सर्विस दूंगा, अपना जॉब को दूंगा आपके इस NVS के जहां पर भी मेरी जो है पोस्टिंग हुई है वहाँ पर, और अगर मान के चलो मैं बीच में ही इसको छोड़कर चले जाता हूँ जॉब को, तो मैं आप NVS को कितने रुपए दूंगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर ₹3 लाख 3 लाख रुपए आपसे हर पोस्ट के लिए लिए जाएंगे। बेसिकली मान के चलो यहाँ पर कोई कैंडिडेट MTS पोस्ट पर रिक्रूट हो गया और उसने एक बॉन्ड साइन करा कि भाई ठीक है मैं 2 साल NVS के अंदर जॉब करूँगा, और वो बीच में ही
7 महीने बाद ही कहने लगता है कि नहीं मैं इस जॉब को छोड़ के जा रहा हूँ, तो वो ऐसे नहीं जा सकता, उसको पूरे 2 साल देने ही पड़ेंगे अगर उसने बॉन्ड साइन कर दिया है। और अगर वो बीच में छोड़ेगा तो उसको फिर 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। ये बॉन्ड अमाउंट है, ये ट्रस्ट अमाउंट है कि आपने ट्रस्ट दिया है एनवीएस को कि भाई ट्रस्ट है ये कि मैं इधर काम करूंगा 2 साल, और अगर बीच में छोड़ दूंगा तो मैं 3 लाख रुपए दूंगा। और अगर ऐसा नहीं, अगर आप नहीं दोगे और आप छोड़ भी देते हो तो फिर एनवीएस के आप पास ये राइट होंगे कि आपके खिलाफ एक्शन हो सकते हैं, क्योंकि वो लोग आपसे पहले ही बॉन्ड साइन करवा लेंगे। तो मैं वही कहूँगा जिसको सर्विस देना हो वही फॉर्म भरे, और पूरे इंडिया में अगर सर्व हो सकता है, सर्विस देने जा सकता है, तो वही डाले फॉर्म को, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। प्रोबेशन रहेगा 2 साल का, ये जो शुरू के 2 साल हैं प्रोबेशन है बेसिकली। कैंडिडेट 2 साल शुरू में उस एनवीएस के अंदर टेम्परेरी होगा, उसके काम पर ज़्यादा ध्यान देगा एनवीएस, देखेगा कि भाई ये सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा। मान के चलो वो सही से काम करता है पूरे 2 साल, तो हो सकता है कि 2 साल बाद उसी की पोस्ट, उसी की जो जॉब है एनवीएस के अंदर, वो परमानेंट हो जाए, मतलब कि वो कैंडिडेट परमानेंट एम्प्लॉय माना जाएगा एनवीएस में 2 साल के बाद, ठीक है जी। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं, इसको आप रीड कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये मैंने इसीलिए बताया, कुछ लोग सोचते हैं कि हमने जॉब तो ले ली लेकिन हम तो 4 महीने बाद छोड़ देंगे फिर दूसरी जगह ले लेंगे, तो ये चीज़ नहीं करनी है। ये एक बॉन्ड वगैरह होता है, एक बॉन्ड जैसा ऑप्शन होता है बेसिकली। हर अथॉरिटी, हर ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को करती है बेसिकली, इसलिए करती है कि भाई आप अगर बीच में काम छोड़ दोगे तो फिर हम एकदम से किसी स्टाफ को कैसे ले लेंगे, ठीक है। तो उनको भी फिर अलग प्रोसेस करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, तो इसीलिए वो लोग ये चीज़ करते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, तो वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, तो इस पॉइंट को रीड कर लेना, जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं सबको रीड करना ध्यान से, आपको समझ आएंगे। आपका ये अंडरटेकिंग है एक्स सर्विस मैन के लिए, अगर आप नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में जाकर काम करके आए हो तो आपका अंडरटेकिंग इस तरीके का होगा। आप देख सकते हैं ओबीसी वालों का अंडरटेकिंग ये है। अगर आप लोग अदर बैकवर्ड क्लासेस के हो तो आप ये वाला सर्टिफिकेट लगाओगे तो आपको ओबीसी, एनसीएल वैकेंसियों का फ़ायदा मिल सकेगा, और एज में भी फ़ायदा मिलेगा, और बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, चाहे फॉर्म की फ़ीस के हों, वैकेंसियों के हों, एज के हों, जो भी आपके क्राइटेरिया वाइज आपके लिए रिजर्वेशन है वो आपको मिलेंगे। सेम SC ST सर्टिफिकेट आपके स्क्रीन पर है, वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पर EWS वालों का सर्टिफिकेट भी दिया हुआ है, तो ये सब सर्टिफिकेट फॉर्मेट है। मान के चलो कोई डिसेबिलिटी कैंडिडेट कहता है कि मुझे किसी सेकंड पर्सन से अपना एग्ज़ाम करवाना है, तो ये वाला आपको पहले फिजिकल लिमिटेशन का वो लोग वो सर्टिफिकेट भर के देगा, और उसके बाद वो स्क्राइब के लिए अंडरटेकिंग करवाएगा कि वो खुद का स्क्राइब यूज़ कर रहा है, खुद के एक सेकेंडरी पर्सन को मदद से अपना एग्ज़ाम करवाना चाहता है, तो वो ये सर्टिफिकेट इस चीज़ का दे सकता है, ठीक है। इसके बाद कि कोई भी डिसेबिलिटी वाला कैंडिडेट आसानी से अपना एग्ज़ाम किसी सेकेंडरी पर्सन से करवा सकता है, जिससे भी करवाना चाहे, लेकिन याद रख के उसकी डिसेबिलिटी प्रूफ होनी चाहिए कि वो फिजिकली लिमिटेशन बाउंडेड है अपना एग्ज़ाम लिखने में, ठीक है जी। तो ये पूरा नोटिस हो चुका है, आपका सर्टिफिकेट डिस्कस हो गया, एग्ज़ाम सिलेबस, पैटर्न, मार्किंग स्कीम, सैलरी, एक एक चीज़ डिस्कस कर दिया NVS रिक्रूटमेंट की। आप देख सकते हैं पूरा इंडिया इस वैकेंसी पर एलिजिबल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जॉब है, सरकारी जॉब है, 1380 लोगों को करीबन जॉब मिलेगी इस वैकेंसी में। सारी पोस्टें नॉन टीचिंग हैं, मतलब कि पढ़ाने का काम किसी पोस्ट का इसके अंदर नहीं है। टीचिंग पोस्ट पर हो सकता है कि 30 मार्च तक आपको पूरी डिटेल्ड आपकी टीचिंग पोस्ट पर वैकेंसी दिखेंगी, जो आपके साथ मैं बता दूंगा क्या रहेंगी। अभी कुछ लोग कहेंगे इन्होंने फॉर्म की डेट इसके अंदर नहीं दी है, आप देख सकते हैं इस पूरे नोटिस में कहीं पर भी फॉर्म की डेट नहीं है कि आपको कब से कब तक फॉर्म भरने हैं। देखो भाई यहाँ पर कहीं पर भी ये डेट नहीं लिखी हुई है कि कब से कब तक आप लोग फॉर्म भरोगे, आप खुद देखिए यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा है कि कब से कब तक आप फॉर्म भरेंगे, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ अभी फॉर्म ओपन नहीं हुए हैं। हाँ लेकिन यही फॉर्म जल्द ही ओपन होगा, मतलब आप मान सकते हैं कि ये आपका जो फॉर्म है अभी इन्होंने डेट नहीं दी है फॉर्म की। अगर कोई कह रहा है कि भाई फॉर्म की डेट तो बताओ कि कब से कब तक फॉर्म भरना है, तो अभी इन्होंने फॉर्म की डेट ही नहीं दी है आप लोगों की कि कब से कब तक आप लोग फॉर्म डालोगे इस वैकेंसी पर, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैं मान सकता हूँ कि आज 16 मार्च है, तो करीबन आप मान सकते हैं 20 मार्च के बाद इसके अंदर इसका फॉर्म चालू होना है, और इसका फॉर्म बंद हो जाएगा अप्रैल के ही 20 तारीख के आसपास। मतलब जैसे ही फॉर्म चालू होगा आपको आराम से महीना भर का समय मिलेगा, मतलब मान सकते हैं 20 दिन से ज़्यादा का समय यहाँ पर NVS द्वारा मिलेगा आपको अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई लोगों को पहले ही बता दें जिससे कि लोग अगर एलिजिबल है भी तो इस पोस्ट पर अप्लाई करके इसको ले सके।
हाँ, तो अभी कोई भी डेट यहाँ पर आपकी जो है नहीं आई है। एनवीएस ने कोई भी डेट नहीं दिया है कि कब से कब तक फॉर्म भरवाएंगे वो। हालांकि उनका नोटिस आ गया तो कंफर्म्ड है ना कि भाई अब एनवीएस अपने वेबसाइट पर नोटिस दे रहा है, इसका मतलब वैकेंसी तो है ही। लेकिन ये वैकेंसी का फॉर्म कब से कब तक होगा, मैं एक अप्रोक्स आइडिया दे देता हूँ कि ये आपका 20 मार्च के तो बाद ही फॉर्म चालू होगा, 2 4 दिन में फॉर्म चालू हो जाएगा ये। 20 मार्च से आप मान सकते हो ये आपका अप्रैल, 20 अप्रैल तक फॉर्म जाएगा, ठीक है। इसके करीब आपकी डेट हो सकती है, और डेट में आप मान सकते हैं कुछ ही दिन में, 4 से 5 दिनों में आपका इसका डेट आ जाएगा फॉर्म भरने का। तो रेडी रहे, एनवीएस को चेक करें और फॉर्म अप्लाई कर लेना, पूरा इंडिया इसमें अप्लाई करेगा, ठीक है जी। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और इस जानकारी को पूरे विश्व भर में, पूरे वर्ल्ड में शेयर करेंगे, सब्सक्राइब वगैरह कर लेंगे। मैं आपसे मिलूंगा जल्दी, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।